नमस्कार दोस्तों, जहां पर स्वार्थ समाप्त होता है वहां से मानवता प्रारंभ होती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के बी राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 3 जुलाई दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली है, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय गणपति महाराज जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें। अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग की। आज का पंचांग है 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार। आज की तिथि है द्वादशी। आज का नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे। सुबह 5:27 पे सूर्यदेव अस्त होंगे। शाम 7:22 पे। दोस्तों आज का शुभ समय है कोई भी नहीं और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है शाम 5:31 से शाम 6:27 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 6 और लकी कलर है बादामी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य के नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं ये बातें रखें याद, नहीं होंगे करीब। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले फाइनेंशियल मजबूत होने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब आप हाइजीन का ध्यान रखेंगे। रोजाना स्नान और अपने आराध्य को याद करना फिजिकली और मेंटली हेल्थ के लिए अच्छा होता है और ये बातें इंसान को कभी गरीब बनने नहीं देती। वहीं अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए। देर रात या सोकर उठते ही खाना नहीं खाना चाहिए। वक्त वेवत पर किया गया भोजन शास्त्रों के अनुसार गरीब बनाता है। इसके साथ ही खाने को पूरे परिवार के साथ जमीन पर या किसी मेज पर रखकर ही खाना चाहिए। अपने दोस्तों को भी भूल कर यह बात ना बताएं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के मनोवांछित परिणाम मिलने से सुकून मिलेगा। व्यस्तता के बावजूद अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए समय निकाल लेंगे और आप अपने संपर्क सूत्रों का उचित उपयोग करने में भी सक्षम रहेंगे। परंतु कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज ना मिलने से चिंता बनी रहेगी। वस्तुतः कोई भी नकारात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अपने फाइनेंस संबंधी गतिविधियों को सीक्रेट रखना ही जरूरी है। कोई भी अहम फैसला लेने से पहले वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेना उचित रहेगा। इस समय बिजनेस में चुनौतियां आएंगी। एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने से काम करने के तरीकों में भी सुधार होगा। नौकरी पेशा लोगों पर एक्स्ट्रा कार्य की जिम्मेदारी आ सकती है जिससे तनाव भी थोड़ा बना रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में कुछ तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करें। दोस्तों आपका प्रेमी या प्रेमिका आज बहुत गुस्से में नजर आ सकता है। इसकी वजह उनके घर की स्थिति होगी। अगर वो गुस्से में है तो उन्हें शांत करने की कोशिश करें। पर्यटन क्षेत्र आपको बढ़िया कैरियर अवसर दे सकते हैं। यह समय अपनी महत्वाकांक्षाओं को समझने और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत का है। सफलता आपका बेताबी से इंतजार कर रही है। किसी नए काम के आगाज के लिए आपको पहले उसके बारे में अनुभवी लोगों से बात करनी चाहिए। अगर आज आपके पास समय है तो उस क्षेत्र के अनुभवी लोगों से मिल लें जो काम आप शुरू करने वाले हैं। आपके लिए खूबसूरत रोमांटिक दिन रहेगा लेकिन सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। आर्थिक मोर्चे पर
आपको सफलता मिलेगी, कहीं से धन मिलने के योग बन रहे हैं। अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए दोस्तों, आपको धन की बचत करने की एक छोटी सी योजना बनानी चाहिए। यदि आपने इस तरह की योजना बनाई भी है तो यह आपके लिए अच्छी बात है। निजी जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुश्किल घड़ी में रिश्तेदार ही काम आएंगे। आप अपनी परेशानियों को भूलकर परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। दोस्तों, आपको अपने सब कामों को निपटाने की गति जरा धीमी करनी होगी, क्योंकि जल्दी में काम निपटाने के चक्कर में आपसे गलती हो सकती है। इसलिए धीमे चलें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप क्या कह और क्या कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ेगा। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज के प्यार के मामले में आपका दिन बहुत खास होने वाला है। आप अपने प्रियतम के साथ बहुत सारे लुत्फ उठाएंगे, चाहे आप साथ में खाना खाएं, घूमने जाएं, मनोरंजक फिल्म देखें या कुछ अलग करें। आज का दिन आपके प्रेमी युगल के नाम रहेगा। आप अपने प्रियतम को उस उपहार से खुश करें जो उनके दिल को छू जाए, और आपका प्रेम जीवन आपके प्रियतम के प्यार और आपके रोमांस के साथ आगे बढ़े। साथ ही आपको बताएं, आप अपने संबंध से खुश भी हैं और संतुष्ट भी, लेकिन इसी संबंध में और आगे बढ़कर आप और भी अधिक खुशी हासिल कर सकते हैं, जिससे आपको नई बातें भी पता चलेंगी। अगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं, तब भी आप पर गुस्सा होने की बजाय वे आपको ये समझाएंगे कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, जिस वजह से आपको काफी अच्छा लगेगा। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और कैरियर की। तो दोस्तों, आपके द्वारा आज नए संपर्कों का निर्माण करने से आपको कार्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। यदि आप किसी नए काम या रोजगार की शुरुआत करने की सोच रहे थे तो आज का दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। व्यापारी आज अपने नुकसान को फायदे में बदल सकते हैं। दोस्तों, आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए थोड़ा रुक जाएं एवं आपको कुछ समय निकालने की जरूरत है, ताकि आप अपने अतीत के अनुभव पर विचार कर सकें। अब बात करें दोस्तों आज आपके स्वास्थ्य की। तो दोस्तों, आप अब जंक फूड भी नहीं खा रहे तथा व्यायाम भी कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका ठीक नहीं है, इसलिए आपको इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे। आपको इन सब में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक निश्चित रूटीन बनाना होगा, तभी आपको इन सब कार्यकलापों का लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।